पर्युषण पर्व का एक विलक्षण महत्व, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते और मानते और समझते हैं और स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। इन दिनों में तपश्चर्याएं अधिक से अधिक लोग करते हैं, तब इसका अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, शरीर हमारा साथी है, मित्र है, सहयोगी है। हमारे मन की शक्ति, हमारे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का एक अवसर है। आमतौर पर मनुष्य अपने मन का गुलाम है, अपनी इच्छाओं का दास है, आदतों का लाचार है। जब भी कभी कोई भी चीज़ देख लेता है, सुन लेता है, कर लेता है, तो बस उसी के प्रभाव में आ जाता है। तब जो है वो इसलिए है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना जानते हैं। लेकिन ढाई हजार वर्ष हो चुके हैं महावीर को, ढाई हजार वर्ष हो चुके हैं, और इतनी लंबी अवधि के बाद में भी ये परंपरा, अगर भोगवादी परंपरा होती तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में कहाँ गायब हो जाती। ये तब की ताकत है, तब का तेज है, तब की शक्ति है, तब का सामर्थ्य है कि जिस तेज के कारण हजारों वर्षों के बाद में भी ये समाज उसके बल पर जीता है। तब का मार्ग भी आसान मार्ग नहीं है, एक मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, पूर्ण मार्ग है, जिसे भक्ति के द्वारा क्या हो सकता है, उस भगवत्ता को क्या किया जा सकता है। भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है, भक्ति ही एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा ऐसे लगता है कि वह भगवत्ता छू जाए जीवन को, तो वह भगवत्ता स्वयं सुगंधित होनी शुरू होती है। उसको भगवान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवत्ता उसकी जिंदगी में स्वयं उतर करके आती है। ये भक्ति महत्वपूर्ण है, ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। इस समय भक्त और भगवान उन दोनों में इतनी एकता की, जो कि उसने मैं जो है वो किसको सौंप दिया है, मैं को किसको सौंप दिया है, उस प्रभु को पूर्णता से मैं को सौंप देने के कारण फिर अपना जैसा तो कुछ बचा नहीं, जो भी कुछ है सब प्रभु का है। तो प्रभु की जय, मेरी जय, मेरा कल्याण या उसका कल्याण, ऐसा भक्ति का मार्ग दिखने को बहुत आसान है, लेकिन शब्द आसान है, शब्द मीठे हैं, लेकिन उसके बाद में भी शब्दों का जो क्या है उसका मर्म है, शब्द की जो पीछे रही हुई जो आत्मा है, वह आत्मा फिर बस उसके लिए, उसकी अगर बनना है तो उसके नाम के अनुसार, उसकी आदेश के अनुसार, उसकी भावना के अनुसार हम अलग से कुछ सोच नहीं सकते। बस जो भी कुछ है बस उस प्रभु के मार्ग पर ही समग्रता से जो समर्पण है वो भक्ति है। और